सिर पूरा काली लग रहा है। चलो जाकर दवा खा लूँ, सही हो जाएगा। इसमें कौन सा दवा लेगा तो सही रहेगा? चलो ये खाके देखते हैं। खड़े होने से टट्टी बराबर जा रहा है। क्या हुआ मुझे? कुछ दिनों से टट्टी छोटा सा नरम जा रहा है। कल मिट्टा खाया था ना, उसकी वजह से ही मेरा पेट जलन हो रहा है। मेरा गले में कुछ गेंद अटका हुआ लग रहा है। गले का दोनों बाजू में भी दर्द हो रहा है। कल खाया हुआ पाव और मटन की वजह से ही ऐसा हो रहा है मुझे। मेरा जबान ऐसे रंग में क्यों है? मेरा कान बहुत दर्द हो रहा है। कान से ये क्या आ रहा है? अबे लंगड़े, देख के नहीं आता क्या? चल हट। एम वेंकैया नायडू आज देश के उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे। भारत और अमेरिका इस साल नवंबर में हैदराबाद में संयुक्त रूप से वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। नहीं लंगड़ा, तेरा मालिक किधर है? मंत्री अभी आ जाएंगे सर। काठमांडू में एक काम देगा तो बराबर नहीं करते क्या? दो दिन के समय में कर देंगे सर। दो दिन में काम नहीं होगा तो दुकान तोड़ के चलते रहूंगा। संसद ने बैंकों का ऋण भाई तुझे इतनी गाली देकर जा रहा है और तू ऐसे ही खड़ा है। घंटा है एक मुसीबत का समय, झगड़ा करने से परेशान ज्यादा होता है, कम नहीं होता, समझ लेना। अयोध्या भूमि विवाद, माफ कर दो गुस्से में आपको चिल्ला दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चल भाई चलता हूँ। हाँ सर, हाँ सर। देख भाई, अब मैं झगड़ा करता तो बड़ा होता था, पर मैं शांत था इसलिए अब वो आके माफी मांग के गया। हम जैसे बात करते हैं वैसे ही अपने साथ सामने वाले भी बात करते हैं। हाँ भाई, तू जो बोला वो सही है। क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय। भारत में एक नया हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। भारत में 31 जगह में शुरू होने वाला है। इसमें से गुजरात में 2, महाराष्ट्र में 2 और 20 से अधिक तमिलनाडु पर शुरू होने वाला है। ये जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। इस प्रोजेक्ट की वजह से आम जनता सभी परेशान है। बंटई, ये सब देखने पे भारत जल्दी विकास होने वाला है। अबे विकास नहीं, बर्बादी होने वाला है। यह हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट शुरू होने से अपना देश पर भूकंप पानी का अकाल हो जाएगा। अभी हमारे भारत में पानी की इतनी तकलीफ है, अगर ये प्रोजेक्ट आरंभ हुआ तो भविष्य ही खत्म हो जाएगा। रुक, इसके बारे में मैं एमएलए साहब से बात करके आता हूँ। साहब एमएलए साहब से मिलना है। आइए बैठिए। Thank you.
साहब नमस्कार। साहब भारत में हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट आने वाला है, उसे कैसे भी बंद करवाना है। बेटा वो अच्छा प्रोजेक्ट है, अपने देश के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, इसे मत रोको। साहब क्या अच्छा प्रोजेक्ट है? इसके वजह से अपना देश में भूकंप आएगा, नदियां सूख जाएगा और इसके लिए 100 एकड़ जमीन बर्बादी करते हैं, इससे हमारे किसानों को काफी नुकसान होता है। बेटा तुझे सब मालूम है करके मत समझ, और बहुत बाकी है, ठीक है ना? भारत की तरक्की आप जैसे लोगों से ही रुक रहा है, मालूम है क्या? साहब इससे हमें क्या फायदा होगा? अगर ये प्रोजेक्ट संपूर्ण हुआ तो देश में बिजली और गैस की तकलीफ नहीं होगी। साहब अगर सोलर प्लांट और पवन चक्की को महत्वपूर्ण दिया तो भी लाभ होगा। सोलर प्लांट हर एक घर पे होने के लिए 50 से 1 लाख तक खर्च होता है, इससे भी हमें बिजली की परेशानी हमेशा के लिए नहीं होगा और बिजली की बिल भरने के लिए भी जरूरत नहीं होगा। इसे समझ लो साहब, बिजली की परेशानी आसानी से सुलझा जा सकता है, पर गैस की? गैस किस लिए चाहिए साहब? ये 21वीं सदी है, यहाँ पे हम करंट स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह करें तो गैस की हमें जरूरत ही नहीं होगी। बेटा इस प्रोजेक्ट पे सरकारी दस्तखत हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये प्रोजेक्ट हम हर हाल में पूरा करेंगे, तुझे जो करना है कर ले। आप आम आदमी का सहायता करेंगे ऐसा सोचा था और आप ऐसा बोल रहे हैं। ये लंडा, तुझे एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? ये पिए, इसे मार के बाहर निकल। ए निकल, ए चल बाहर चल। साहेब लंगड़ा हूँ पर तमिलन हूँ, मूछ को घुमा के दन्ना करके चलते रहूंगा। आज तक आप तमिलन का दन्ना नहीं देखे हो ना, आप देखोगे। ए जा बे। ए भाई फिकर मत कर, मैं अपने सारे मित्रों को बताया हूँ, हम जरूर जीतेंगे। आओ भाई आओ, आने के लिए धन्यवाद। तमिल के लिए जान भी दूंगा। लड़ेंगे लड़ेंगे हरने तक लड़ेंगे, रोको रोको हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट को रोको। लड़ेंगे लड़ेंगे हरने तक लड़ेंगे, रोको रोको हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट को रोको। लड़ेंगे लड़ेंगे हरने तक लड़ेंगे, रोको रोको हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट को रोको। छात्र रह करके देख रहा हूँ, भाग जाओ वरना हड्डी तोड़ दूंगा। सर आप हमारा साथ मत हो, मगर हमें रोको मत। मैं कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, ऊपर से दबाव है, भाग जाओ वरना हड्डी तोड़ दूंगा। तुम्हें रोकना है तो कोर्ट में जाके केस करो। हम जनरेशन जनरेशन सब पैसा डालेंगे और केस करेंगे, कोई बड़ा कंपनी आके पैसा डाल के आसानी से जीत जाएगा। अपने अपने दिल को पता है सर कौन सही है और कौन गलत है करके। ए तू पुलिस से ऐसा बात करेगा, मार दूंगा। छात्रों को कमजोर समझा है क्या? हम देश का शक्ति है, उतना जल्दी दन्ना में नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो बिना जीते नहीं आते हैं। हाँ जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हेलो सर, मैं बात कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ। उस लंगड़े को पकड़ के जेल में डालो और बाकी अपने आप डर के भाग जाएगा, बाकी सब मैं संभालूंगा। ठीक है सर। चलो आजा। सर क्या सर हाथ रख रहे हैं? सर हाथ मत रखो, सर हाथ मत रखो, सर छोड़ो मत, उन्हें छोड़ो मत, जीतने तक मत छोड़ो, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मृत्यु पर तो मत करो, रुको मत, रुको मत, हम जीतेंगे, मृत्यु से भी जीतेंगे। सर सर सर